पहाड़ हो गए बोले लालो था उन्होंने दिन बाज नहीं तो पायल नहीं जिसे बल्कि की कर लो पूरा बनवा रहे बल्कि लान रस्ती ने ना पे पुल रस्ती से मार के हमने कढ़ा नदी पर पुल बनवा दिया गौरा पर पुल बनवा दिया। ये विकास के मामले में जितना काम हम कर सकते थे हमने किया आगे भी करते रहेगा हम वो काम नहीं करते हैं। बिहार के बांका में जन अधिकार सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें बांका के कटोरिया में जन अधिकार बैनर तले शोषित वंचित संघर्ष समिति के तहत कटोरिया हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पूर्व उप प्रमुख बालेश्वर दास ने किया जिसके मुख्य अतिथि बांका सांसद गिरधारी यादव थे। बता दें कि भागलपुर MLC विजय कुमार सिंह जदयू नेता ओंकार यादव के अलावा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता महिला पुरुष गण सभी उपस्थित हुए। इस दौरान मंचासीन सदस्यों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित किया और नमन कर दीप प्रज्वलित कर सभा का आगाज किया। मौके पर सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को बचाना है तो दलित पिछड़े OBC और मेजोरिटी के लोग आगे आना होगा हक और हकूक की लड़ाई लड़ना होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि संविधान ही नहीं रहेगा तो आने वाला नौकरी आरक्षण कहां से रहेगा। 144 दिन में नीतीश कुमार ने 1.25 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया। बांका में सड़क और पुल से भरमार है जल और बिजली की कमी नहीं है आप सभी संविधान को बचाने के लिए भाजपा के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब देखना है कि आखिरकार जनता किस पर कितना भरोसा करती है। विकास के मामले में जितना काम हम कर सकते थे हमने किया आगे भी करते रहेगा हम वो काम नहीं करते हैं। आपको भरम है कि गिरधारी यादव को कोई पावर नहीं है वो आपका पावर है। इसीलिए इस बांका जिले की कटोरिया पिलर यहाँ की जनता का पावर है जो हमने आपको करवाया है। बहुत लोग प्रयास करते हैं कि बधुआ जलाशय और बिलहरना जलाशय का विकास हो। बैठे हमारे सम्मान्य राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह जी थे उसमें एजुकेशन मिनिस्टर सारा काम करते हैं। विकास के मामले में चाहे वो बांका का जो आपको जो मोहनी हो बिलासी हो या जो भी हो सारे चीज का हम लोगों ने किया। आपका है आपको पर विकास से लेकर परिवार आता कटोरिया टेंडर हो गया क्या टेंडर हो गया है बांका पर ये लोग हैं। आप सब देखिए बलिया हमारा 1 करोड़ खाली हम नहीं करा पाए हैं उसको बोलने में हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मेरा मोथावाड़ी वाला सड़क अभी फंसा हुआ है उसके लिए हम दिन रात लगे हुए इसलिए लगे हुए हैं कि हम नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा। रोड बनवाया भी हमें 2004 में मरम्मत बीच में करवाया लेकिन जंगल विभाग के चलते जो हमारे ओंकार जी हर बात को उठाते हैं उसमें फंसा हुआ रह गया और नहीं हुआ। अभी बहना गए उसका भी बनवा दिया। ऐसा कोई काम आपके इलाके में नहीं है जो मैंने आपका आशीर्वाद से अपना कोई पावर नहीं आपके पास दिए हुए शक्ति से मैंने उसको किया। अब समय आ गया है संविधान बचाने का। इस देश में जो हम लोग हैं इसमें संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी चर्चा और जो लोग आपके विरोधी हैं वो आपको बहकाते रहेंगे कि अरे ये काम नहीं हुआ अरे वो काम नहीं हुआ। काम तो बाद में भी हो जाएगा आजीवन आगे हो जाएगा जो काम हो जाएगा वो खत्म भी हो जाएगा लेकिन यदि संविधान खत्म हो जाएगा जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार और हमारी बहू सिफालिका शेखर जो प्रोफेसर है मधेपुरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो बताया आपको कि संविधान ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों को बोलते हैं कि गोपा जी ये क्या हो रहा है कि कोई कहता है कि भाजपा आ जाएगा ये आ जाएगा एकदम नहीं आएगा बोला फिर हम लोग को पढ़ाते लिखाते काहे के लिए है ने क्या किया इनको बहाली करने की इच्छा हुई बोला वह शिक्षक बहाल कर कितना दिन में 140 दिन क्या 140 दिन में 1.5 लाख 1.25 लाख शिक्षक को बहाल।
बता दें कि उन्होंने कहा कि करोड़ों बेरोजगारों को इससे नौकरी मिलेगी। आंगनवाड़ी सेविका और रसोईया के सदस्यों की मांग भी पूरी होगी। सांसद व एमएलसी को उन्होंने अपना एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि एमएलसी विजय कुमार सिंह ने कहा कि 25 वर्षों से आपके बांका को एक ही लाल है, वह गिरधारी यादव है। राजनीतिक करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लोकसभा का सीट इन्हीं को लड़ना है। उन्होंने कहा कि इन्हें भारी बहुमत से जिताएं। बहरहाल आपको बता दें कि जदयू नेता ओंकार यादव ने भी चिड़िया मोड़ को प्रखंड कटोरिया को अनुमंडल की मांग के साथ ही गांव समाज में किया जा रहा सर्वे का विरोध भी किया और कटोरिया अंचल में अंचल अधिकारी की मांगों को उठाया और खैरा आदिवासी एससी के लोगों के जंगले में रहने के अधिकार दिलाने की बात भी कही। जेएनयू की छात्रा एवं मधेपुरा विश्वविद्यालय वाइस प्रिंसिपल शेफालिका शेखर यादव ने बताई कि सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी देखी गई। सभा में उपस्थित महिलाओं को नमन करती हूं। उन्होंने खेत खलिहान से धान की कटाई छोड़कर इस सभा में उपस्थित हुई है। आज महिलाओं को हिम्मत और जज्बा और हौसला का बुलंद देखकर बेहद खुशी होती है। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री, इसी बात को लेकर उन्होंने जोर दिया। अब देखना होगा कि जनता इन सब वादों में कितना विश्वास करती है। बांका से मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।